सुभान अल्लाह क्या कहने सुभान अल्लाह, मतलब मैं कहती हूँ कि कमाल ही हो गया। आवाज में ऐसे जैसे आपके जादू है और इतना सुर बोलता है, बहुत अच्छा लगता है। बचपन से शौक था गाना गाने का या बड़े होकर ये मतलब आया कि मैं कुछ? शौक बचपन से एक्टिंग का था। अच्छा, तो ये गाना बचपन में आगे पूरा हो गया। बचपन में आगे पूरा हो गया। शुक्र करें कि यहाँ पे खातून भी बैठी हुई है और उनको हमने बचपन नहीं कह दिया। नहीं, देखिए बचपन मुझे कह रहे हैं, इनकी खुशी आगे जाती ही नहीं है। इनकी खुशी का आलम ये है कि वो जो भी कह रहे थे ना कि मैं आजाद हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो ये था कि जैसे कि कोई एक सिख की बीवी गुम गई, उसकी कंप्लेन करने के लिए वो जीपीओ चला गया। अच्छा, खुशी का आलम ये था। तो उन्होंने कहा जनाब ये मेरी बीवी गुम गई, उनका ये कंप्लेन आपने थाने में करनी है। कहता ओफो, खुशी इतनी है समझ नहीं आ रही किधर ये आवाज है। लेकिन मुझे लग रहा है हबीब भाई ना मेरी खुशी से थोड़ा जेलस हो रहे हैं क्योंकि भाभी ने बहुत तंग किया हुआ है। मैं बहुत हैप्पी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी फैमिली है, बहुत कोऑपरेटिव है जी। सर एक सवाल ये पूछना चाहता हूं थोड़ा सीरियस नोट पे। भाभी हमारे घरों में भी माएं बहनें सब खाना शाना बनाती हैं, आप ही हम ना अपने घर में खाना बनाती होंगी, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ईद के दिन मर्द भी कहीं ना किचन में जाके अपने जोहर दिखाने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन बनाना नहीं चाहिए, गन बहुत मचाते हैं। नहीं अब खैर उनका भी हक है ना, कुर्बानी के दिन इतना सारा भी करना उनका। इतना सारा गोश्त, इतनी सारी चीजें होती हैं, तो वो ट्राई जरूर करते हैं। सर, कभी आपने ट्राई किया किचन में? जी सबसे पहले मैं मुंह बनाता हूँ। अच्छा। फिर मैं गोश्त बनाता हूँ। अच्छा। फिर मैं पकाता हूँ। अच्छा, क्या पकाते हैं? मुझे एक ही जिंदगी में पकानी आती है, कढ़ाई। अच्छा, वो मैं बड़ी अच्छी बनाता हूँ। जो मर्जी कढ़ाई बनवा लें वो बना लेते हैं। मीट कोई भी होगा तो मैं वो अच्छा बनाऊंगा। भाभी तो उस दिन बड़ी खुशी महसूस करती होंगी कि आज तो मुझे काम नहीं करना पड़ा। हर जिस दिन मैं खाना बना लूं उसी की ईद होती है मेरी। अच्छा, उस दिन आपकी ईद होती है, उनकी ईद होती है? उनकी ईद होती है। अच्छा, उनकी ईद होती है। अच्छा फैजान, आप बताइएगा, आपने बारबेक्यू का जिक्र भी किया था, आप इतना थोड़े से यंग भी है और थोड़े चुलबुले भी है, तो यकीन ईद के ऊपर भी आप कोशिश करते हो थोड़ा सा? अरे नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ एज फेलोज लगते हैं थोड़े ज्यादा। आप दोनों आप भी हमारे छोटे, हम तो बच्चे हैं, थोड़ा इधर भी कहते हैं आप भी हमारे बारबेक्यू तो हम करते हैं। अच्छा, तो फिजा मैं आपसे पूछ रहा था बारबेक्यू आप करते हैं, आप क्या बना लेते हैं, अच्छा क्या बनाते हैं ईद पे? ईद के हवाले से पूछ रहा हूँ। ईद के हवाले से फिजान, ईदी बड़ी अच्छी बनाता है। अच्छा, ईदी कैसे? ये देखे ना, तो कीर मेरा बड़ी अब ये सारे राज खोल रहा है मेरे यहाँ पे बैठ के। सबसे पहले ये जो है ना अपने भाइयों से ईदी लेगा। ठीक है, अभी से लेने वाली रहती है ईदी, ये भी मुझे देके जाएंगे। फिर सर के पास जाएगा, शफकत सर के पास जाएगा, उनसे लेगा वो, तो फिर आंटी जी से लेगा, फिर मेरे पास आएगा। मैं कहूंगा यार तेरे पास इतने हो गए हैं, बस इनफ है तेरे लिए। मैंने इकट्ठे करने हैं, इकट्ठे करने हैं, मैं जरूर दूंगा। तो सबसे पहले ईदी बनाता है फिजान, उसके बाद खुद बताएगा क्या क्या बनाता है, जिसके बाद बारबेक्यू। आपको पता मुझे शौक है, तो फिर बारबेक्यू कर लेते हैं। बिल्कुल, चिकन, यू आर वेरी राइट ऑन दैट। मटन तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा मेरे लिए अलग चिकन होता है। कुछ है मेरे जो एक क्लब है, चिकन क्लब, तो वो मेरे साथ चिकन को एंजॉय करते हैं। और लेकिन मुझे कीमा बहुत अच्छा बनाना आता है। अच्छा, भी किस्सा है, एक दफा आपको पता लाहौर में तो कीमा जो है वो गधे का भी हो सकता है, मेंढक का भी हो सकता है। वो फिर मैं बनाने लगा हूं कि वो लाहौर में आई नहीं है बनाने के लिए। कम से कम हमें खालस बेसिकली इन 2017 वी वर टूरिंग इंग्लैंड, मी एंड माय फादर, हम इंग्लैंड का टूर कर रहे थे। तो हम लोग ना बाहर का अरबी खाना खाकर पक गए। वहां पे आपको पता है हजूर ज्यादा अरबी खाना मिलता है या तुर्की खाना मिल गया। तो इतना दिल किया, मेरे वाले साहब ने कहा यार कोई घर का खाना होना चाहिए। हम लोग वी ऑन अ फ्लैट देयर, तो हम वहां पर इकट्ठे ही रहते हैं, मेरे ताया जी रहते हैं वहां पे, तो उनको घर का खाना होना चाहिए। तो मैंने यूट्यूब से फिर निकाली रेसिपी और कीमा बनाया, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने खुद बनाया। अच्छा, और वो मजेदार बन गया, इतना मजेदार बना कि मेरे वाले साहब ने कहा यार तुमने तो मामा से अच्छा बना दिया आज। इसका मतलब ये है, उन्होंने छुप के हल्की सी आवाज में कहा, हमने आज वो जोर से कहते हैं। ये देखिए ना, मेरा ख्याल इसके बाद फिजान की तरफ चला जाए और ये हमें अपने हाथ से कीमा बना के खिलाए। ठीक है, इधर मैंने बनाया, वो आखिरी दफा वही बनाया, उसके बाद कभी आवाज नहीं बनाया। लेकिन YouTube की उसके बाद भी आज भी बनाई है। अच्छा मुझे बताएं हबीब, ईदी जो है वो देते हैं या अभी तक लेते हैं? अब देना अच्छा लगता है कि लेना? जी मैं अभी तक अपनी अम्मी से ईदी लेता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, और बाकी सबको मैं ईदी देता हूँ। ईदी देते हैं, सबसे पहले किसको देना शुरू करते हैं? बच्चों से शुरू कर, बच्चों से। अच्छा, हमने ईद पे ना बड़ी ईद पे ये भी होता है कि बड़े अक्सर टालते हैं, कोई ईद गोश्त वाली ईद पे होती है, ये तो गोश्त वाली ईद है। आप भी ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं?
बच्चों के साथ? बच्चों का हक है, ये छोटी छोटी खुशियां होती हैं बच्चों के लिए, तो ये जो भी आप दे सके, ये जरूरी नहीं कि आपने क्या दिया, ये मैं कहना भी नहीं चाहिए कि मैंने ये दिया मैंने ये दिया, जैसे वो पर जो भी है बच्चों को आप जो दे सकते थे, जैसे शादी के मौके पर वो जूता वो जो दूध पिलाई की रस्म उस पर बड़ी लेदी होती है, आपने देने तो होते ही हैं। हाँ, लेकिन वो लेदे की करते हैं कि पहले अच्छा 5 रुपए 10 रुपए 50 वो अट्रैक्शन पैदा करते हैं, या बच्चे फरमाइश भी करते हैं, और वो नए नोट होते हैं, नए नोट और बच्चे मांगते हैं, भाई बच्चे वो बच्चे नहीं रहे आजकल के, ये चुप करके ले लेंगे, वो कहते हैं ये पिछली डिमांडिंग किया था अभी पूरे रखे। अच्छा, वैसे आप ये देखें महंगाई बहुत बड़ी है, डबल हो गया काम, बच्चों ने डबल ईदी की डिमांड भी की होगी। वो फ्रांस साहब ये याद रखें, महंगाई सिर्फ अब्बा जान के लिए। अच्छा, बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल हबीब भाई सही कह रहे हैं, जैसे आपने बात की ना शादी पे होता है या ईद पे, तो ये वो छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो माहौल को क्रिएट करती हैं, वो उस पे आप जितने पैसे वो मांगती हैं लड़कियां वो दे देती हैं, लेकिन वो एक नोक झोंक जो होती है ना, वो जो 15-20 मिनट लगते हैं उसके अंदर, हाँ वो यादगार हो जाती है, एटमॉस्फेयर का जो है ना वो एक वो लम्हा ऐसा होता है कि जो मेमोरेबल होता है, सो उसको क्रिएट करने के लिए ये सारा नोक झोंक चलती है। सो फिजान भाई भी जो बच्चों के साथ वो करते हैं तो वो उस को एंजॉय करने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बचपन में जो हमारी ईद होती थी बड़ी मुख्तलिफ सी थी, जिसमें हमें थोड़े से ईदी के पैसे मिलते थे, उसकी हम एक ऐनक खरीदते थे, एक छोटा सा पर्स खरीदते थे, उसमें बड़े शौक से चीजें डालते थे और पटाखे बजा रहे हैं जो भी, क्या वो ईद ज्यादा मजे की थी कि अब वाली ईद ज्यादा मजे की है? ईद कार्ड भी होते थे? वो पहले था कि ईद कार्ड थे, आपने ईद कार्ड सेंड किया, आपको किया मैंने, आपने मुझे किया, तो वो एक रिवायत थी, वो एक उस जनरेशन का सारा टाइम था। तो अभी आ गया व्हाट्सएप एसएमएस, आपने व्हाट्सएप पे जो है ना वो सेंड कर दिया। आपको लगता नहीं कि वो खूबसूरती जो थी वो खत्म हो गई है? नहीं, खूबसूरती ऐसे खत्म नहीं हुई, वो अपनी जगह पे ठीक थी, ये अपनी जगह पे ठीक है, मतलब फोन नहीं था इतना, मोबाइल किसी के पास नहीं थे, हर हाल में हाल अच्छा होता है, हर हाल में हाल अच्छा होता है, बड़ी खूबसूरत बात है, हर हाल में हाल अच्छा होता है, और मेरे ख्याल में लम्हे मौजूद को उससे लुत्फ उठाना, एंजॉय करना चाहिए, लिव इन द मोमेंट ऑफ लाइफ, ये जो आपके पास लम्हा है इसको जी लें, जी लेना, जैसे भी आपने अपनी कल हो ना हो वैसे ही। जहां तक लम्हे को जीने की बात हो रही है, तो मेरा बार बार ध्यान जाता है जब मैं दो गुलकारों को और म्यूजिशियन को और इस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वालों को देखता हूं, तो दिल करता है एक गाना और सुन लिया, एक गाना और सुन लिया। क्या ख्याल है फैजान को इस वक्त जहमत दें और फिर आखिर में शो में हम कोशिश करेंगे कि हबीब भाई से भी एक गाना सुने, बिल्कुल, और उसी पे फिर जिसे कहते हैं शो स्टॉपर गाना उनके से सुनेंगे। हाँ। तो फैजान अभी आप हमें कौन सा गाना सुनाएंगे? जी हुजूर, रिसेंटली मैंने कवर किया है सॉन्ग सजाद अली साहब का, मेरे बहुत फेवरेट सिंगर है, उनका एक गाया हुआ सॉन्ग है बेबिया, वो पेश करता हूँ, थोड़ा सा अपलिफ्ट सॉन्ग है, ईद का माहौल है तो कुछ हल्ला गुल्ला वाला भी होना चाहिए, तो इसकी खासियत बात है कि इसको मैंने जब रिकॉर्ड किया ARY के साथ किया था मैंने रिकॉर्ड, तो जब इसको रिकॉर्ड किया तो सजाद अली साहब ने सुन के खुद फोन किया मुझे। अच्छा। और उन्होंने मुझे फोन करके इतना अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा कि यार इस गाने को कवर करने का किसी ने सोचा भी नहीं, तुमने कैसे कर लिया और इतना अच्छा किया, और उनकी हौसला अफजाई भी थी मेरे लिए बहुत, वो इजाज़त के काबिल है, बहुत बड़े इंसान है, और वही गाना आज उनको ही मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूं, मेरी डेडिकेशन है उनकी। अच्छा, हम ना तरीका उसका ये करते हैं कि इनसे हम थोड़ा सा सुनते और फिर ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो स्टेज पर हमारे साथ मौजूद होंगे, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल सर, थोड़ा सा सुनाइए फिर इंशाल्लाह ब्रेक पे चलते। किसी के कहने में ना मैं ही तो हूँ तेरा दीवाना, सारे जहाँ को है बताना, ओ बेबी तेरी मर्जी नहीं चलनी, ओ बेबी ओ बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुन दी, आंखों को जरा तू मिला के देख, कभी तो मुझे समझा के देख, आंखों से आंखें तू मिला के देख, ओ बेबी मेरी गल क्यों नहीं मन दी, हो बेबिया ओ बेबी दिल विच क्यों नहीं वसदी। थैंक यू, क्या बात है। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो आप इस गाने को फुल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ और म्यूजिक के साथ सुनेंगे, हमारे साथ रहेगा और ईद की खुशियों को दुबारा करते रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं।